कोटा से अब बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर यार्ड मॉडलिंग कार्य होगा। दिसंबर महीने में जनशताब्दी 5 दिन और साथ ही मेवाड़ एक्सप्रेस 9 दिन तक निरस्त रहेगी। 28 नवंबर से कई ट्रेनों का रूट परिवर्तित किया जाएगा। मथुरा पलवल रेल खंड में कोसीकला में यार्ड मॉडलिंग का कार्य होगा। यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जा रही है ताकि अव्यवस्था किसी प्रकार की बाहर आ। 28 नवंबर से कई ट्रेनों का रूट परिवर्तित किया जाएगा। मथुरा पलवल रेल कोसीकला में यार्ड मॉडलिंग का काम होगा और यात्रियों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जा रही है ताकि यात्री भ्रमित ना हो और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था भी वहां पर ना हो। ये बड़ी खबर कोटा से। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर यार्ड मॉडलिंग का कार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र, पूरी अपडेट बताएं, यार्ड मॉडलिंग का कार्य होगा, किस तरीके से जो यात्री हैं उनको जानकारी दी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था वहां पर ना हो। बिल्कुल मनीषा, आगरा जो मंडल है, मथुरा और पलवेल रेल मंडल के वेस्ट का कार्य चल रहा है, जहाँ पर लगातार जो दूसरी लाइन बिछाई जा रही है उस लाइन के चलते कुछ गाड़ियों को यहाँ पर रद्द किया गया है और कुछ गाड़ियों को यहाँ पर मार्ग परिवर्तित करके चलाया जाएगा। शिफ्टिंग की गई है, साथ में शताब्दी को 5 दिन के लिए और मेवाड़ को 9 दिन के लिए निरस्त किया गया है। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है और इससे यातायात रेल मंडल का प्रभावित ना हो, इसलिए कुछ गाड़ियों को यहाँ पर रूट परिवर्तित करके चलाया है। 28 नवंबर से 29 दिसंबर तक यहाँ पर इसको बंद रखा जाएगा। साथ ही नहीं, जो रेल की जो एक नई लाइन बिछाई जा रही है यार्ड में, उसके लिए ये मार्ग परिवर्तित किया गया है। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े और दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर यार्ड मॉडलिंग का कार्य होगा, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सीकर